खासियत जनाब ये है कि अब पंजाबी में बोल दें कि आपको उर्दू में इंटरव्यू दे दें। दो ज़बानें आती हैं मेरे। अच्छा, दो ही आती हैं बेटी। जनाब उसकी खास वजह ये है कि देखे जो पिछली हुकूमत रही है हमारी, ठीक है, फर्स्ट टाइम उनको चांस मिला है, वो बल्ला लेके तो बल्ला बल्ला करते रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से इनको यहाँ पे पत्थर पड़े हैं और इस इलेक्शन के बाद अल्लाह के हुक्म से अब वोटों के इनको पड़ेंगे पत्थर की तरह। इंशाल्लाह शेर आएगा अच्छी लीड से, इंशाल्लाह इक्तदार में हम लोग आएंगे, हुकूमत भी इंशाल्लाह शेर की होगी, इसके अलावा कोई नहीं देख रहे। और शेर अकेला हुकूमत करेगा या साथ में अपने साथियों को मिला के हुकूमत करेगा? लेकिन ना जंगल में बादशाह एक ही होता है, वो शेर ही होता है। हाँ, दूसरे किसी के चांस ही नहीं है। नहीं, जो पीडीएम की हुकूमत रही है उसमें 16 जमातों ने मिलकर हुक्मरानी की है, तो इस दफा भी आपको नजर आ रहा है कि 14 या 12 या 10 जमातें मिलकर हुक्मरानी करेंगे, शेर अकेला को? बात यह है कि हम तो किसी और जमात को जमात मानते ही नहीं है, पहली बात ये। अगर आप किसी और जमात को जमात मानते नहीं है तो मिलाया क्यों था पीडीएम की हुकूमत ने अपने साथ? देखिए, हमने मिलाया नहीं, उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि जो दूसरी मुखालिफ पार्टी थी बल्ले वाले जी, अब मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, ठीक है, वो इस काबिल ही है कि उनका नाम लिया जाए। दरअसल बात यह है, ये मनफी जो प्रोपोगंडे हुकूमत के खिलाफ किए गए, सारी बात है हुकूमत के लिए जब हुकूमत बनानी पड़ती है ना, तो उसके लिए आपको बड़े ये छोटी छोटी पार्टीज का और इधर उधर के लोगों को साथ मिला के चलना पड़ता है, फिर जाके एक अच्छी पार्टी इकतदार में आती है। आप तो मजबूरी समझ लें, पीडीएम की हुकूमत को एक कामयाब हुकूमत समझते हैं? मैं बिल्कुल नहीं समझता जी, मैं बिल्कुल नहीं। क्या किया जी, मुझे बताए कोई इनका एक, इनकी कोई एक चीज बता दे आप। मैं कह रहा हूँ कि पीडीएम की हुकूमत को आप कामयाब हुकूमत समझते हैं जो 16 माह की है पीडीएम ने? मैं बिल्कुल नहीं समझता। उसमें वजीर आजम जो शहबाज शरीफ थे, देखिए वजीर आजम शहबाज शरीफ थे जी, लेकिन बात यह है कि जो उसके नीचे सारे जितने बंदे शेर, देखिए शेर के जितने भी पुराने बंदे हैं, आप देखे नवाज शरीफ की जो पुरानी हुकूमत थी, हमारे मुल्क का डॉलर 104 स्टेबल रहा है, ठीक है, तो विद इन 4-5 ईयर्स इन्होंने हुकूमत 4 ईयर्स ऑलमोस्ट की है, ठीक है। अब बताए, आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप बेहतर जानते हैं कि डॉलर हमारा कहाँ पे गया? मैं जानता हूँ। आईएस कहाँ पे गया? मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा पेशे तबाह की कर दी जी, पीछे क्या रह गया जी, कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है किसी के पास, चोरियां टिकेटियां आम हो गई हैं हर जगह पे, क्या काम इन्होंने किया है? तो आप इस वक्त दूसरे अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस बार 8 फरवरी को जी शेर पे आप मोहर लगाएं और शेर को कामयाब करें और अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुल्क उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस तरह आज से 6 साल पहले था, 5 साल। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।